हाल कोरोना वायरस की असर दरेक क्षेत्र पर पड़ी रही है त्यारे शैक्षणिक क्षेत्र पर तेनी असर पड़ी है। भणतर ने पहुंची वड़वा माटे ऑनलाइन शाला चालू करी है त्यारे आ पद्धति गरीब और मध्यम वर्ग लोग चिंता नु कारण बन्यु छे। कोरोना वायरसे आखा विश्वनी आर्थिक परिस्थिति ने नबड़ी करी दीधी छे त्यारे आ वायरस साथे लड़वा माटे सोशल डिस्टन्सिंग राखवुं जरूरी छे। त्यारे आ कोरोना महामारी ने रोकवा माटे आखा देश में लॉकडाउन करवामां आव्युं हतुं अने शाळाए पण बंद करी देवामां आवी हती। हवे 15 ऑगस्ट सुधी शाळा बंद रहेशे जेथी आ महामारी वधु न फैलाय। त्यारे आ माटे सरकारी स्कूलमां पण ऑनलाइन शिक्षण चालू कर्युं छे जेमां स्मार्टफोनमां एप द्वारा दरेक बाळकोने शिक्षण आपवामां आवे छे जेमां इंटरनेट जरूरी छे। त्यारे मध्यम वर्गीय લોકો માટે જરૂરી સાધનો લેવા માટેનો ખર્ચ કાઢવો મુશ્કેલ બન્યો છે। રાજેશ રેશક પાટીલ જી, એ સરકાર દ્વારા મોબાઈલ એપ્લિકેશન દ્વારા પઢાઈ કી જા રહી હૈ ઉસકે બારે મે ક્યા કહેના ચાહેંગે। હમારી ગરીબી પરિસ્થિતિ હે ઇસકે લિયે હમારે પાસ તો હેન્ડરેક મોબાઈલ ની એકીપેડ ફોન હે ઉસકે વજહ સે હમ પઢાઈ તો નહીં કર પા રહે પર किताब है उसी से हम अभी शुरुआत में पढ़ाई कर रहे हैं। पर सरकार को सोचना चाहिए इसके इसका इसमें क्या करना चाहिए। सबके पास तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता है, इसके इसमें कुछ सोचना चाहिए कि कीपैड मोबाइल में तो सब कुछ आता नहीं है। कुछ कुछ मोबाइल में आता है पर वो मोबाइल में भी पूरा नहीं समझ में आता है, इसकी वजह से हम कुछ पढ़ाई किताबों में ये कर पा रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे सरकार? सरकार को सोचना चाहिए, अभी सबके पास तो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं होता है, इसकी वजह से अभी स्कूल चालू करना चाहिए कि नहीं। मोबाइल एप्लीकेशन से पढ़ने में किस तरह की समस्या है? कीपैड मोबाइल में तो डाउनलोड होता नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। एंड्रॉइड मोबाइल तो नहीं है हमारे पास, गरीब परिस्थिति है, इसकी वजह से रूम का भाड़ा, मेरे मम्मी पापा काम पे जाते हैं, उसकी वजह से कुछ। आपका नाम? खुशी अशोक पाटिल है। जो सरकार द्वारा एप्लीकेशन से पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहना है? जी, हमारे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, हमके पास कीपैड फ़ोन है और हमारे पास सिर्फ पुस्तक है और हम वो भी बस्ती में से लाए हैं, इसलिए हमारे पास एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है। जिसके पास वो पढ़ रहा है एंड्रॉइड फ़ोन से, हमारे पास कीपैड फ़ोन है, हम उसमें से तो पढ़ नहीं सकते। हमारे पास बस्ती में से आए हुए पुस्तक है, हम उससे पढ़ते हैं। पढ़ने में कितनी तकलीफ हो रही है आपको? स्कूल बंद है, एप्लीकेशन मोबाइल से पढ़ा जा रहा है, तो किस तरह की तकलीफ हो रही है? जी, हमें तो बहुत तकलीफ हो रही है, पर अब क्या करें, हमारे पास तो कीपैड फ़ोन है, एंड्रॉइड फ़ोन तो नहीं ला सकते हम। पर हमारे पास जो आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा मार्केट में जाते हैं और काम करते हैं। ऑનલાઇન પદ્ધતિથી વિદ્યાર્થીઓને પણ ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે। આ પદ્ધતિ ફક્ત એકતરફી હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની સમસ્યા શિક્ષકો સુધી ન પહોંચતી હોવાથી બાળકોને પડતી મુશ્કેલીનું નિરાકરણ આવતું નથી। મેરા નામ કુનાલ અશોક પાટીલ હે, મે કક્ષા 7 મે પડતા હું। જી, એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન સે પઢાયા જા રહા હે, કિસ તરહ કી સમસ્યા હો રહી હે? समस्या तो बहुत हो रही है, क्योंकि हमारे पास पहली बात तो एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, हमारी परिस्थिति वैसी नहीं है। हमारे पास जो है वो कीपैड फ़ोन है, उसमें वो एप्लीकेशन नहीं आती है। लेकिन अच्छी बात है, सरकार ने इस लॉकडाउन में लोगों के लिए जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है उनके पढ़ाई में जोर दिया है और ये एप्लीकेशन खोली है। लेकिन जिनके पास है भी बाई चांस, लेकिन वो पढ़ेंगे, वो वीडियो देखेंगे, पर उन्होंने वीडियो में अगर किसी समस्या का डाउट होता कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कैसे होता है? आमने सामने अगर टीचर हो तो बच्चा पूछता है कि टीचर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो टीचर खोल के आंसर देते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम टीचर को कुछ पूछ नहीं सकते और वो भी सॉल्व होती नहीं है, और हमारे पास तो एंड्रॉइड फ़ोन भी नहीं है, इसलिए वो हमारे पास कीपैड फ़ोन है और उसमें वो एप्लीकेशन नहीं आती है, इसलिए हम ये पुस्तक लाए हैं और उसमें से अभी पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, और जितना हमें आता है उतना हम करते हैं, जितना हो सकता है उतना। किताबें कहाँ से लाते हैं? किताबें हम जिसके पास अगर कक्षा हो गई हो तो किसी के मोहल्ले में दूसरे लड़कों के पुस्तक लाते हैं। ભારત જેવા દેશમાં ગરીબીથી મધ્યમ વર્ગનું પ્રમાણ મોટું છે, ત્યારે એક પરિવારમાં 2-3 બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય છે અને વાલી પાસે એક જ સ્માર્ટફોન હોય છે અને અનેક પરિવાર પાસે સ્માર્ટફોન પણ હોતા નથી। ત્યારે આ પદ્ધતિથી અભ્યાસ એક ગરીબ કે મધ્યમ વર્ગને પહોંચી વળે તેમ નથી, ત્યારે આ અંગે સરકારે વિચારણા કરવી જરૂરી છે। મેરા નામ પ્રતિભા અશોક પાટીલ હે, મેં એક આમ ઔરત હું, મેં ઓર મેરે હસબન્ડ
मैं बाहर का काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड मार्केट का काम करते हैं, मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और उनको अभी ज़रा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अभी जो वो सरकार ने सुविधा निकाली है एंड्रॉयड फ़ोन वाली, वो बड़ा फ़ोन हम लोग नहीं ले सकते, हम आम आदमी हैं तो हमारे पास सादा मोबाइल है, तो जो बच्चों को सुविधा अभी जो मिल रही है एंड्रॉयड फ़ोन वाली वो हम लोग नहीं कर सकते। तो सरकार ने हमारे लिए कुछ दूसरा सोचना चाहिए, क्योंकि हम दोनों काम पर जाते हैं तो हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते और बड़ा फ़ोन भी नहीं ले सकते, तो बच्चे कैसे पढ़े, तो हम लोगों को दिक्कत हो रही है। तो सरकार ने कुछ अलग ऐसा करना चाहिए कि आम बच्चे भी पढ़ सकते हो और हम काम पे जाते इसके लिए बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, और हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ा सके, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो सरकार ने कुछ सोचना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है और हम गरीब लोगों की समस्या है। उपरांत नौकरियात वर्ग माटे पण आ पद्धतिथी शिक्षण पोसाय तेम नथी। एक परिवारનું ગુજરાન ચલાવવા માટે જ્યારે માતા અને પિતા બંને કામ પર જાય છે ત્યારે આ ઘરમાં રહેતા બાળક પાસે સ્માર્ટફોન હોતો નથી, ત્યારે બાળકને પણ અભ્યાસમાં મુશ્કેલી થાય છે અને આ માટે પણ સરકારે નવો રસ્તો શોધવો અનિવાર્ય છે। મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગની સુરત।